वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट गाजर का हलवा। ये हम 15 मिनट में तैयार कर लेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो गाजर, जिसे हमने छिलकर कद्दूकस कर लिया है, मावा 200 ग्राम, घी 150 ml, शुगर 200 ग्राम, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़ी सी किशमिश और इलायची पाउडर। सबसे पहले कढ़ाई में हम घी डालेंगे। अब हम इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे और इसे फुल फ्लेम पर पकाएंगे। हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। हमारी गाजर का पानी सूखने लगा है, हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। हम इसे फुल फ्लेम पर पका रहे हैं और ये सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। हम 5 मिनट इसे और पकाएंगे ताकि शक्कर का पानी सूख जाए। अब हम एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और हमारे काजू, बादाम और किशमिश को हम इसमें रोस्ट कर लेंगे। मैंने बादाम को गर्म पानी में भिगोकर उसका छिलके उतार लिया था। ये हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इसे करीब 2 मिनट लगे हैं। हमारे शक्कर का पानी सूख गया है, अब हम इसमें मावा डालेंगे। मावे को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावा इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसे 1-2 मिनट पका लेंगे। हमारा हलवा 15 मिनट में बनकर रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।